हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज स्प्रेडिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का जो हमारा टॉपिक है भाषा। दोस्तों, भाषा ये आपको इस वीडियो में भाषा की परिभाषा बताई जाएगी, भाषा के रूप बताए जाएंगे, उसकी परिभाषा बताई जाएगी दोस्तों, साथ ही साथ उसमें उसके उदाहरण भी बताए जाएंगे जिससे आपको भाषा समझने में आसानी हो। और साथ ही साथ हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत अच्छा समझेंगे, अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आप आधा अधूरा समझ के दोस्तों कभी नहीं समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान परिभाषा द्वारा भाषा बताया जाएगा, भाषा क्या होता है, भाषा के रूप क्या होते हैं। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भाषा की सबसे पहले परिभाषा देखिए क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव और विचारों को जानता है। देखिए, भाषा की परिभाषा यही इतना है, इसमें यही कहना चाहता है कि भाषा एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है सिर्फ, और जिसके द्वारा मनुष्य यानी जो प्राणी है, यानी जो मनुष्य है, ये अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है और साथ ही साथ दूसरों के भाव और विचारों को जानता है। दोस्तों, भाषा का देखिए परिभाषा कितना आसान है, इसकी परिभाषा से ही आप इसका पूरा मतलब समझ गए होंगे। देखिए अब भाषा के रूप, इसके बाद भाषा के रूप क्या होते हैं। भाषा के रूप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है हमारा मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, इसी परिभाषा पढ़ने से पहले ही आप समझ जाएंगे। मौखिक भाषा यानी जो हम बोलते हैं वही हमारा मौखिक होता है। मौखिक यानी जो मुंह से बोला जाए वही मौखिक है। तो देखिए, मौखिक भाषा में क्या होता है, यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। देखिए दोस्तों, मौखिक शब्द से ही आप इसकी परिभाषा बना के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा यही है कि यह भाषा का वह रूप है, यानी मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति या मनुष्य कहिए बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। ठीक है, आइए इसके उदाहरण देखते हैं। कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, जैसे कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से अपने विचार व्यक्त कर रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले से, तीसरे से, चौथे से, इस प्रकार से, यानी जो ये बातचीत की हमारी जो भाषा है ये हमारा किस भाषा में आएगा, ये हमारा मौखिक भाषा में आएगा। उसी प्रकार से समाचार वाचन, मतलब समाचार को हम कोई समाचार पढ़ रहे हैं उसका वाचन कर रहे हैं तो भी हमारा मौखिक भाषा में आएगा। वाद विवाद यानी कि हम अपना डिस्कशन कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो भी हमारा मौखिक भाषा में आएगा। कहानी सुनना और सुनाना, कहानी हम सुन रहे हैं किसी के द्वारा सुन रहे हैं और कहानी सुना रहे हैं, अपने द्वारा किसी को सुना रहे हैं, इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार से भाषण, जब कोई स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देता है, भाषण देता है, वो भी दोस्तों मौखिक भाषा का ही रूप होता है, आदि भाषा के मौखिक रूप है। यानी जो हमारा ये उदाहरण में इतना प्रकार दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त भी बहुत से उदाहरण हैं, ये सब हमारा मौखिक भाषा का ही रूप है। अगला देखिए, भाषा का आता है हमारा लिखित रूप, यानी लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे मौखिक भाषा में आपको बताया गया है कि मौखिक यानी जो हम बोल के अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को सुनकर समझते हैं, और उसी प्रकार से लिखित भाषा में है कि अपने भाव और विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को वो हमें लिख के देगा, उसे पढ़कर हम समझेंगे। इस भाषा लिखित भाषा में इसका यही मतलब है, इसकी आप इतना है परिभाषा। अगर आप लिख देंगे परीक्षा में दोस्तों या फिर समझने के लिए तो भी आप पूरा नंबर पा जाएंगे। लिखित भाषा अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए, समाचार पत्र यानी जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है दोस्तों, आपने देखा होगा उसमें सब कुछ, सारे जो अक्षर होते हैं, सारे जो शब्द होते हैं वो प्रिंट होके आते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं, यानी वो लिखित भाषा का रूप है। पुस्तकें, वो भी लिखित भाषा का रूप है। दुकानों पर लिखे नाम, दुकानों पर जो होल्डिंग लगी रहती है, जो नाम लिखा रहता है,
जो बैनर कह लीजिए जो रहता है उसको, वो भी लिखित भाषा का रूप है। वस्तुओं के पैकेटों पर लिखे नाम दाम, और इसमें कह रहा है जो भी हम सामान खरीदते हैं, जो भी वस्तु खरीदते हैं उसके जो पैकेट रहता है उस पर नाम लिखा रहता है, दाम लिखा रहता है, ये सब भी लिखित भाषा का ही रूप है। इसी प्रकार से आदि भी जो ये सब जो है हमारा, वो लिखित भाषा का एक रूप है। लिखित भाषा का रूप आप ऐसे समझिए जो जिस भाषा को कहीं लिखा हो वो पढ़ के हम समझें, या फिर अपनी बात को लिखकर हम दूसरे को दें वो पढ़ के समझे, वही हमारा लिखित भाषा है दोस्तों। जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, दुकानों पर लिखे नाम, ये सब जो है हमारा लिखित भाषा का रूप है दोस्तों। ये था हमारा भाषा का पूरा विवरण, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप। यहाँ पे आपको उदाहरण भी बहुत अच्छे बताए गए हैं जो आपके दैनिक जीवन में आप बराबर देखते हैं ऐसे उदाहरण दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप